सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया है कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये प्रोडक्ट आपको बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए, इसमें आपको कैसे क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ओके, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कितने सारे आपको बेस्ट, कितने सारे बैड फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, क्योंकि मैं अपने वीडियो में आपको प्रोडक्ट के बेस्ट और बैड फीचर्स दोनों का रिव्यू करता हूँ, दोनों की अनबॉक्सिंग करता हूँ, जो मैक्सिमम यूट्यूबर नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बाय करो जो आप काफी लॉन्ग टाइम यूज करो, जिसको लेकर आपको फ्यूचर में कैसी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को स्क्रिप्ट मत करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। फ्रेंड्स, कोई भी इग्नोर मत करना। ओके, तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कैसा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इस स्पीकर का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये स्पीकर आपको बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए, इसका वॉइस का आउटपुट कैसा होगा, बैटरी बैकअप कैसा होगा, ओके, और इसमें आपको कैसे क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, इसकी रियल MRP क्या होगी। तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बेस्ट स्पीकर बाई करना चाहते हो जो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ करो, तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को स्क्रिप्ट मत करना। फ्रेंड्स, आप सभी से पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कोई भी इग्नोर मत करना। फ्रेंड्स, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, सो मेरा थोड़ा सा चैनल और ग्रो हो जाए, देयर आफ्टर मैं भी प्रोडक्ट को बाई करके रिव्यू अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, कोई भी इग्नोर मत करना, आप सभी से पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आपको रियल इन्फॉर्मेशन दूंगा, रियल रिव्यू, रियल अनबॉक्सिंग करूंगा। सो फ्रेंड्स, एक दूसरे का सपोर्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होप है आप सभी लोग समझते हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको देखने को मिल जाता है ये अरोमा ब्रांड का ये स्पीकर होने वाला है, जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, और इसका लुक भी आपको काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाता है। ओके, जो आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, ये देखो। ओके, तो लुक काफ़ी आपको बेस्ट देखने को मिल जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आपको बैटरी इसी के अंदर सेट देखने को मिल जाती है, जिसका बैटरी बैकअप 8 hours का होने वाला है। तो मीन्स आप इसको एक बार चार्ज करो और आप इसको 8 घंटे बजा सकते हो। ओके, और इसका वॉइस का आउटपुट भी काफ़ी बेस्ट होने वाला है फ्रेंड्स, काफ़ी बेस होने वाला है, काफ़ी क्लियरली आपको सुनने को मिलने वाला है, और 8 घंटे आप कंटिन्यू इसको प्ले करके सुन सकते हो, कुछ भी सुन सकते हो, कैसे भी आप सॉन्ग सुनना चाहते हो तो वो सब कुछ आप सुन सकते हो फ्रेंड्स। ओके, और इसका जो पावर का आउटपुट होने वाला है, ओके, वो 16 वाट का इसका पावर का आउटपुट होने वाला है। तो भाई, आवाज़ में काफ़ी धमक होने वाली है, बेस भी होने वाला है। ओके, डीप बेस आपको देखने को मिल जाता है, आपको 52 mm का ओके ड्राइवर भी देखने को मिल जाते हैं। तो भाई, काफ़ी इमेजिंग आपको साउंड का आउटपुट सुनने को मिलेगा, जो काफ़ी बेस्ट होगा। ओके, इसमें आपको कुछ ऐसी बटन देखने को मिल जाती है जो आपको काफ़ी यूनिक लुक में देखने को मिल जाती है। ओके, ये देखो फ्रेंड्स, आप प्लस माइनस कर सकते हो, पुश प्ले भी कर सकते हो, तो ये आपको बटन इसमें देखने को मिल जाती हैं, और लुक भी काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसके मॉडल नेम की, किसका मॉडल नेम क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसका जो मॉडल नेम होने वाला है अरोमा स्टूडियो 30 कनेक्ट। ओके, तो ये इसका मॉडल नेम होने वाला है अरोमा स्टूडियो 30, आप कह सकते हो, बस यही इसका मॉडल नेम होने वाला है। 10 वाट का इसका पावर का आउटपुट होने वाला है। अब बात करें MRP की, तो भाई 899 रुपये आपको देखने को मिल रही है, जो ज़्यादा बहुत ही भाई ज़्यादा MRP नहीं है, और इतनी लो, इतनी मीडियम MRP भी नहीं है, बट मीडियम से भी थोड़ी सी ज़्यादा MRP है। 899 रुपये का आपको ये ओके, स्पीकर मिल जाता है फ्रेंड्स। ओके, जिसकी MRP प्लस माइनस होती रहती है, ये कोई फिक्स MRP नहीं है। इसमें आपको 3-4 कलर देखने को मिल जाते हैं, तो आप जो भी कलर लाइक करते हो वो कलर आप चूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स।
ये देखो काफ़ी बेस्ट ये होने वाला है फ्रेंड्स। ओके तो अब जिन लोगों ने इसको बाई कर रखा है उनका क्या फीडबैक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप इसको बाई करते हो ना तो ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिसकी इमेज आपको अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन पे शो नहीं हो रही है। अब आपको स्क्रीन देखने को मिल रही है तो भाई आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है ये देखो। ओके तो इतना बैड नहीं है। तो अगर आप इसको बाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली बाई कर सकते हो और आप इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ करने वाले हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है आप 90s के सॉन्ग सुनते हो, ओल्ड सॉन्ग सुनते हो, या फिर आप न्यू सॉन्ग सुनते हो, या फिर रैप के सॉन्ग सुनते हो, या फिर डीजे के सॉन्ग सुनते हो, या फिर भोजपुरी सॉन्ग सुनते हो, तो जैसे भी आप सॉन्ग सुनते हो उन सभी सॉन्गों के लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है क्योंकि इसका वॉइस का आउटपुट काफ़ी बेस्ट होने वाला है। ओके सो फ्रेंड्स अब मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कॉमेंट है, कोई क्यूरी है, कोई कन्फ्यूजन है कि भाई ये बाय करूँ या कोई दूसरा बाय करूँ कि ना करूँ, तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करना, मैं उसका आंसर वहीं पर करूँगा। अदरवाइज फ्रेंड्स उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। सो ये वीडियो इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड लुक, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।